अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर का क्या रोल है और इसको देखते हुए हमारी एक्सेप्टेंस क्या है। नाउ बात स्टार्ट करते हैं ऑफर से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक ऑफर का मतलब है कि 1% कोई भी अपनी ऑफर कर रहा है कि मेरी चीज़ या मेरी प्रोडक्ट ले लो दूसरे बंदे को और फॉर्मिंग कंसिडरेशन के तौर पर। और ऑफर में जो होती हैं दो तरह की पार्टीज होती हैं, वन इज डेट प्रपोजल और ऑफरर, सेकंड वन इज डेट प्रपोजल और ऑफरी। प्रपोजल और ऑफरर का मतलब ये है कि जो बंदा ऑफर कर रहा है कि मेरी प्रोडक्ट ले लो, और ऑफरी का मतलब ये है कि जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। और इसी के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। ना बात करते हैं ऑफर होता क्या और इसके इसेंशियल क्या होते हैं। फर्स्ट वन, ऑफर का जो इसेंशियल होता है वो होता है कि ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है, यानी कि ये रिटर्न भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और या फिर नहीं भी हो सकता। यानी कि ए ने कह कि मैं बी को अपना घर सेल आउट करता हूँ 50 लाख का, बी एग्री हो गया खरीदने के लिए। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट रिटर्न होगा, और जो एग्रीमेंट रिटर्न होगा वो एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी हमारी। ये एक ऑफर होगी एक तरफ से बी को। नाउ ऑफर जो होती है वो होनी चाहिए कम्युनिकेटेड, ये भी एक लीगल रिलेशनशिप बनाती है। कम्युनिकेटेड से मुराद कि दोनों बंदों के दरमियान, दोनों पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि ए ने बी को लेटर लिख दिया कि मैं तुम्हारा घर लेना चाहता हूँ और इस तरीक़े को लेना चाहता हूँ, लेकिन जब लेटर उसको पहुँचा वो डेट निकल जाती है तो ये कॉन्टेक्ट जो होता है ये इनवैलिड हो जाता है। नाउ ये भी लीगल रिलेशनशिप बनाती है, यानी कि जब दोनों पार्टीज के दरमियान कोई रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो इससे इन दोनों के दरमियान कोई लीगली रिलेशनशिप क्रिएट होगा। फोर्थ वन जो होता है वो ऑफर जो होती है वो स्पेसिफिक और जनरल होती है, यानी कि ऑफर एक बंदे को भी दी जा सकती है और ज़्यादा बंदों को भी दी जा सकती है। अब ज़्यादा बंदों को कैसे दी जा सकती है, एक बंदे को तो चलो मान लिया ना कार्ड बेचने के लिए दी जाती है, लेकिन ज़्यादा बंदों को कैसे दी जाती है। जैसे कि ए का वॉलेट गुम हो जाता है और वो कहता है कि अगर जो मेरा वॉलेट ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 500 रुपया दूंगा। अब बी को मिले, सी को मिले, डी को मिले, जिसको भी मिलता है वो आके ए को दे देगा और 500 ले जाएगा। ये होती है जनरल। नाउ बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ वन जो होता है, ऑफर जो होती है हमारे पास वो लॉ के मुताबिक होनी चाहिए, कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए और ये लॉ के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अंदर नॉट कंटिजेंट होनी चाहिए, किसी भी तरह की कंटिजेंसी नहीं होनी चाहिए। और सिक्स वन की बात करते हैं तो ऑफर जो होती है हमारे पास वो एक इन्विटेशन नहीं होता, यानी कि ए ने बी को कह के मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से अलाउट करूँगा, ये कोई इनविटेशन नहीं होगा, ये एक एग्रीमेंट हुआ। मिसाल ले लो कि अगर ए ने बी को ऑफर की है डिनर की तो ये एक इनविटेशन हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर इनविटेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एग्रीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो होता है इसमें इंटेंशन किसी तरह की नहीं होती। 8th पॉइंट, इंटेंशन से मुराद ये है कि ऑफर मस्ट नॉट बी इंटेंशन, कि ए ने सी को कह के मैं अगर अपनी बी को गाड़ी बेचना चाहता हूँ और बी को इसके बारे में पता नहीं होता। अब सी अगर बी से बात करेगा तो ए ने तो खाली इंटेंशन क्रिएट की है सी के साथ, ए पता नहीं राजी होता है नहीं होता गाड़ी बेचने के लिए, इसलिए ऑफर में किसी भी तरह की इंटेंशनल नहीं आना चाहिए। और ये इसमें किसी भी तरह की स्टेटमेंट की रद्दबदल नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट रद्दबदल, इसमें किसी भी तरह की स्टेटमेंट की रद्दबदल नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हो गई ऑफर की। नाउ बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जब भी कोई बंदा किसी भी बंदे को कोई भी चीज़ ऑफर करता है तो उसके बदले वो एक्सेप्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को कोई भी ऑफर कर रहा है घर की, गाड़ी की, किसी भी चीज़ की, और उसके बदले वो पैसे ले रहा है अगले बंदे से, तो इनके दरमियान एक ऑफर और एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है फॉर्मिंग कंसिडरेशन के तौर पर। ना इसके इसेंशियल की बात करते हैं। जो एक्सेप्टेंस होती है ना वो खाली ऑफरर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी चीज़ होती है वही कहेगा था कि यार मेरी चीज़ खरीदो, कोई और तो नहीं ना आके कहेगा कि इसकी चीज़ खरीदो, इसलिए ये खाली ऑफरर ही प्रोवाइड करता है। और जो दूसरा होता है वो होता है कि ये ऑफरर भी जो होती है ना एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होती है, यानी कि ये भी रिटर्न होती है, स्पोकन होती है, और इसमें भी जो होती है किसी भी तरह का जो है ना एग्रीमेंट होता है, रिटर्न, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन। और थर्ड वन ये भी कम्युनिकेट होती है, इसमें भी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आना चाहिए, अगर कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा तो वो कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। फोर्थ वन ये भी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, लीगल रिलेशनशिप। और 5th वन इसमें भी किसी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और 6th वन इसको पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि ए ने अगर बी को कहे कि पूरा
गाड़ी एक्सेप्ट 12 प्रोडक्ट या 24 प्रोडक्ट की ऑफर देता है तो बी को पूरी पूरी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और सेवन इसमें किसी भी तरह की रद्दअमल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बी कह रहे मैंने 12 प्रोडक्ट लेने हैं, 18 लेने हैं, तो उसमें किसी भी तरह की वेरियंस नहीं करनी चाहिए, और ये भी एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक, और इसमें भी लीगल होना चाहिए। और सबसे बढ़कर एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए उसमें किसी भी, ये भी हमारा कंसिडरेशन को फॉलो करती है, और इसमें किसी भी तरह की कंटिजेंसी और कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटा सा टॉपिक था अबाउट एक्सेप्टेंस एंड ऑफर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर सुनिएगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।